इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रेम संबंध के चलते मृतक की पत्नी के प्रेमी ने ही हत्या को अंजाम दिया था। दरअसल पिछले दिनों पुलिस को सूचना मिली थी कि तिलकनगर थाना क्षेत्र के पीपलियाहाना चौराहे पर एक गार्ड की खून से सनी लाश मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो ये बात सामने आई कि युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है, जिसमें मृतक की शिनाख्त रामजी शुक्ला के रूप में हुई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया था, जिसमें लगातार पुलिस हत्यारे को खोजने में लगी हुई थी। इसमें अलग अलग पहलू पर जांच की गई तो ये बात सामने आई कि मृतक की पत्नी का एक दोस्त है आशीष विश्वकर्मा, जो इस घटना के बाद से ही दिखाई नहीं दिया है। मुखबिर की सूचना पर आशीष को पकड़ा गया और उसके फोन की व्हाट्सएप चैटिंग को चेक किया गया तो ये बात सामने आई कि आशीष मृतक रामजी शुक्ला की पत्नी से घंटों बातें किया करता था, जिसमें कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने एक तरफा प्रेम के चलते रामजी शुक्ला को मौत के घाट उतारने को कबूल किया है। इसमें उसका साथ इसके एक अन्य साथी अभिषेक पांडे ने दिया था। इस पूरी घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में इस बात को लेकर के एक इसमें जो सब इंस्पेक्टर हैं तिलकनगर थाने के रावत जी और टीआई मैडम, इन लोगों ने एक उस पर प्रोसीड किया कि क्यों ना एक दूसरे एंगल पे भी विचार किया जाए कि जो मृतक है उसकी जो पत्नी है उसके एंगल पे विचार करते हैं। तो जब हमने उनकी सीडीआर निकाली और उसमें कई एक आपत्तिजनक जो कॉल्स हैं वो समझ में आई और उस पर जब पूछताछ करने के लिए एक आदमी को बुलवाया और उसके फुटप्रिंट लिए तो वो फुटप्रिंट जब फिंगर इसमें जो FSL अधिकारी हैं उनसे मैच करवाया गया तो वो फुटप्रिंट उनसे मैच हो गए और जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। तो इसमें जो मुख्य आरोपी है वो आशीष विश्वकर्मा है और अभिषेक खांडे, ये दोनों दोस्त हैं। और ये अभिषेक जो है इंजीनियरिंग की हुई है इसने और इंजीनियरिंग करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करता है और ये पड़ोस में रहता था वो महिला के, जहाँ पे ये श्रीराम शुक्ला और उसकी पत्नी रहते थे उसी के पड़ोस में ये रहता था और वहीं से इनका प्रेम संबंध शुरू हो गया था। शॉपिंग वगैरह भी करवाता था, इनका बच्चे का जन्मदिन था तो ये भी साथ में जाता था उसके, और पूरी फैमिली से ये शो करता था कि बहुत क्लोज संबंध है। लेकिन उसके जो हस्बैंड है जो मृतक हैं इसमें, उनको ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। इसके बाद इन लोगों ने एक दिन खूब शराब पी और शराब पीने के बाद प्लान बनाया कि इसको मारना है, और जब मारने के लिए ये गए तो ये गार्ड जो है नीचे बैठा हुआ था, करीब जो इसके अनुसार समय बता रहा है ये तो 8:30 के करीब का समय था, क्योंकि वो एरिया सुनसान रहता है और पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं था। तो इसकी जो है इसको दौड़ाया तो इसकी चप्पल नीचे छूट गई और इसके बाद फिर ये ऊपर गया और ऊपर जा करके इन्होंने धारदार हथियार से उसका गला काट दिया और इसके बाद भाग गए। भागने के बाद इन्होंने जो उसके हथियार हैं वो हथियार भी एक जगह पे, अपने जो कपड़े थे कपड़े भी एक जगह जला दिए इन लोगों ने और पूरा इसमें जो एविडेंसेस थे वो पूछे और इसके बाद ये घर चला गया। इसके बाद फिर बाद में जब पुलिस ने इसको तफ्तीश के लिए बुलाया तो फिर ये पकड़ा गया।